सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड्रॉयड ऐप जिसका नाम है स्नैपसीड। ये एक फ़ोटो एडिटर है और इसमें हम अपने फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तकरीबन जितने भी फ़ोटो एडिटर ऐप हैं उनमें से टॉप ऑफ लिस्ट ये ऐप है तकरीबन। इसमें तस्वीर सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये कर ली मैंने। अच्छा, टून इमेज, ये सब इसके फंक्शंस हैं। ब्राइटनेस नहीं है, ब्राइटनेस दे सकते हैं आप, कंट्रास्ट, सैचुरेशन। अच्छा, ये तो सिंपल सा हो गया। चलें क्रॉप, ओरिजिनल साइज, केयर, डिम 3.2, रोटेट आ गया। अब आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं बिल्कुल जिस तरह आप चाहें। आप देख रहे हो कि मेरे हिसाब से आज तक ऐसा कोई भी एंड्रॉयड ऐप नहीं आया जिसमें इतने ज़्यादा फंक्शंस हों, ये टेम्परेचर और ये टिंट। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो आप लोग जिस तरह के चाहें, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। अच्छा जी, इसके अलावा आप रोशनी हाई भी कर सकते हो, लो भी कर सकते हो, डार्कनेस, ब्राइटनेस, जिस तरह चाहे मर्जी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आरजीबी कलर पे था, अगर रेड पे क्लिक करेंगे तो फिर ये रेड में इजाफा कर देगा। इंक्रीज इन रेड कलर, ग्रीन पे करेंगे तो ग्रीन में ज़्यादा ग्रीनरी को शो करेगा, ब्लू में करेंगे तो ब्लू को ज़्यादा शो करेगा, इस तरह। मेरी अगर बात को सीरियस लें या माने तो एक बार आप इस ऐप को ट्राई करके देखें। इसको पिक्चर एडिट करने के बाद हम सेव भी कर सकते हैं, ये डाउनलोड वाला ऑप्शन जो है पर नज़र आ रहा है आपको। शेयर भी कर सकते हैं डायरेक्टली, सेव भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो मर्जी है आप कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।